डीप वॉइस, डीप वॉइस के लिए हर बंदा पागल होता है कि यार डीप वॉइस चाहिए, जो कि एब्सोल्युटली सेक्सी एंड एस्थेटिक लगती है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आप अगर जयशंकर जी को देखोगे जो कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, उनकी आवाज बहुत ज्यादा डीप नहीं है, पर जब वो बात करते हैं ना लगता है भाई कोई बंदा बात कर रहा है। मेरी आवाज बहुत ज्यादा डीप नहीं है, एवरेज सी वॉइस है, पर लेकिन मेरा चैनल भी ग्रो हो चुका है। एंड आप इर्द गिर्द देखोगे कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज डीप नहीं है, बट क्योंकि उनको बोलना आता है तो वो आवाज डीप से बेटर लगती है। वट गुड इज अ वॉइस जो कि इस तरह से बात करती हो पर एक भी सेंटेंस बिना स्टटर किए ना बोल पाती हो। इसीलिए अगर आपकी वॉइस डीप नहीं है तो लेट मी टेल यू, आप उसको कभी भी डीप नहीं करवा सकते बिना सर्जरी के। आप क्या कर सकते हो कि आप अपने सोशल स्किल, स्पीकिंग स्किल को इतना रॉक की तरह एडवांस कर सकते हो, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी बिना स्टटरिंग के पूरा पूरा पैराग्राफ बोल सकते हो। एंड आपको किसी भी वे में कोई जज नहीं करने वाला कि आपकी वॉइस डीप नहीं है, एज लॉन्ग एज आप ढंग से बात कर रहे हो। सो अभी के अभी अपने कम्युनिकेशन स्किल, अपनी स्पीचिंग स्किल, अपनी ओरेटरी स्किल्स पर वर्क करो एंड उनको फिक्स करो।